मैच. ये मेरा पहला वेब शो है, मेरा डेब्यू है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार लोग देखेंगे एक अलग लाइट में मुझे. तो बहुत नर्वस हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और यही होप करती हूँ कि सभी लोग देखें और बहुत सारा प्यार दे. तो ये लाइव स्ट्रीम होगा ऑन ऑल्ट बालाजी एंड ऑन Zee5 ऑन 18th of October. प्लीज़ देखना ना भूलिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है. ये एक्चुअली हमारे बेबी जैसा है. हमने जैसे कि कहा बहुत पुश किया है टू गेट दिस बेबी आउट एंड 6 महीने लगे लेकिन बहुत अच्छे से शूट किया हमने. जैसे कि आप देख रहे हैं, आई डोंट थिंक ऐसे मैं कभी टीवी पर लगी हूँ. बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट है. टीवी पे मैंने बहू बेटी बहन सब प्ले कर दिया, कॉमेडी ट्रेजेडी सुपरनैचुरल सब कर लिया. तो आई थॉट कि इट्स टाइम फॉर मी टू कम आउट एंड डू समथिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. तो कभी कभी कम्फर्ट जोन के बाहर आपको गोल्ड मिलता है. ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वहाँ पे भी किरदार है, यहाँ पे भी किरदार है. इट्स जस्ट कि थोड़े से आपको लैंग्वेज ट्वीक करने को मिलते हैं, थोड़े से आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिबर्टी मिलता है इन डिजिटल. एंड रोक नहीं है बिकॉज यू आर नॉट स्ट्रीमिंग फॉर द होल फैमिली, यू आर स्ट्रीमिंग फॉर पीपल दैट चूज टू वॉच इट. तो अगर आपने चूज़ किया है तो आपके ऊपर है भाई, हमारे ऊपर नहीं है. मैं बिल्कुल गोल्ड डिगर नहीं हूँ. मैं उसके जो भी ऑपोजिट हो सकता है मैं वो हूँ. मनी इज़ नॉट माई ड्राइविंग फैक्टर, नीदर इज़ एनीथिंग बट रिलेशनशिप्स. तो आई एम अ वेरी फैमिली फ्रेंड लव ओरिएंटेड पर्सन. तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अलग था. तो मैंने अपने लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस किए टू बिगिन विथ. बहुत आउट गोइंग बन गई, बहुत यू नो आई स्टार्ट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, स्टार्ट डूइंग न्यू थिंग्स. ये अपने आप में थोड़ा सा यू हैव टू बिल्ड अ कैरेक्टर इन योर सेल्फ कि अगर मैं गोल्ड डिगर होती तो कैसे सोचती. ये नहीं कि मैंने ऐसे कोई काम किया है बट यू नो थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करना पड़ता है. एंड वंस आई गॉट ऑन फ्लोर इट वॉज जस्ट सो ईजी, क्योंकि ये लड़की है बहुत चुलबुली एंड गोल्ड डिगर होगी पर वो उसका नेचर तो नहीं है. उसका नेचर ये है कि वो बहुत फन लड़की है, बहुत फन लविंग लड़की है. वो भी रिलेशनशिप्स को बहुत मायने देती है. तो वो रियलाइज़ करती है कि गोल्ड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, गोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो शी इज़ अ GOAL डिगर द एंड ऑफ इट. जी बिल्कुल, आदि और अनुष्का के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. आई थिंक यू नो इससे बेटर कोस्टार्स मुझे मिल ही नहीं सकते थे. दोनों तो हम तीनों की बहुत इजी कंपैटिबिलिटी है क्योंकि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं. तो कुछ ऐसा ऑकवर्ड नहीं लगा, कुछ सब बहुत इजीली फ्लोइंग था. एंड आई रियली रियली फील दैट आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ स्क्रिप्ट, सच अ टीम. आदि अनुष्का एंड द एंटायर एक्टिंग टीम, आरू प्रियंका आदित्य, देयर इज अनदर आदित्य, बहुत बहुत पूरी टीम जो एक्टर्स की है बहुत अच्छी है. बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट है हमारी, किट्टू दिव्या कैजाद, आई थिंक एवरी वन इज रियली गुड. एंड मोस्ट ऑफ ऑल माई डायरेक्टर संतोष सिंह सैंडस्टॉर्म, उन्होंने सबको इतने अच्छे से प्यार से रखा कि हमको ऐसे लगा ही नहीं कि हम शूटिंग कर रहे हैं. हमको लगा कि एक फैमिली शो ही बना रहे हैं. इसलिए हम सब इतने इमोशनली जुड़ गए कि हर चीज़ में आपको प्यार और मोहब्बत दिखेगा ही. आप ये शो देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत मेहनत गई होगी. फ्यूचर में ऑब्वियसली मैं कुछ कूल ही करना चाहूँगी, कुछ टुडेज़ टाइम करना चाहूँगी, कुछ अहेड ऑफ टाइम्स करना चाहूँगी. एंड आई फील व्हाट बेटर देन डूइंग इट ऑन सच अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स. सो फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन ये शो ज़रूर देखिए आप 18th October ऑल्ट बालाजी एंड Zee5 पे. थैंक यू.